नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल अग्रवाल। वीकली क्विज के एमसीक्यूज अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर वन। एंड गाइस, 12th ऑफ जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई इस एक हफ्ते के करंट अफेयर्स के ये एमसीक्यूज हैं। विद रेस्पेक्ट टू सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ टाइप ऑफ स्टेलर एक्सप्लोजन जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरी मैसिव स्टार्स विद मिनिमम मास लिमिट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द सन। ठीक है, सो सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा न्यूज में था क्योंकि इंडियन रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक एक्सट्रीमली ब्राइट हाइड्रोजन डिफिशियंट, ठीक है, सुपरनोवा स्पॉट किया था। और जब भी कुछ भी इस तरीके की चीज स्पॉट की जाती है या फिर उस पर रिसर्च किया जाता है तो वो न्यूज में रहता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इट ऑकर्स वेरी रेयर बिकॉज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच मैसिव स्टार्स इन आर गैलेक्सी और इन नियर बाय गैलेक्सीज इज स्पार्स। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, दैट इज बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर टू, विद रेस्पेक्ट टू एविसिनिया मैरिना समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ सॉल्ट सिक्रेटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव स्पीशीज दैट ग्रोव्स ऑप्टिमली इन 75% सी वाटर एंड टॉलरेट्स ग्रेटर देन 250% सी वाटर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैनग्रोव स्पीशी फाउंड इन ऑल मैनग्रोव फॉर्मेशंस इन इंडिया। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज कि डीबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस के जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने पहली बार एक रेफरेंस ग्रेड होल जीनोम सीक्वेंस जो है एविसिनिया मैरिना का वो रिपोर्ट किया। और दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे पूरी तरीके से ट्रू है। ये एक सॉल्ट सीक्रेटिंग, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सॉल्ट टॉलरेट भी करता है, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। और मैनग्रोव्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी ही क्योंकि आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इतना ज्यादा उसके डिटेल में पढ़ते भी हैं। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पे आपको बताना है भाई केमिकल कन्वेंशंस हैं और बैंड पॉल्यूटेंट्स हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ये आपको यहां पे बताना है। मिनामाटा कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, केमिकल वीपन कन्वेंशन ओनली मर्करी बेस्ड पॉल्यूटेंट, रॉटरडैम कन्वेंशन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो ये हैं आपके ऑप्शंस यहां पे। अगर मैं बात करूं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट मिनामाटा कन्वेंशन बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि मिनामाटा कन्वेंशन इज रिलेटेड विद मरकरी। सो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। केमिकल वीपन कन्वेंशन, ठीक है, केमिकल वीपन कन्वेंशन जो है वो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, वो कोई मरकरी बेस्ड पॉल्यूटेंट्स के लिए नहीं है। तो सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स। रॉटरडैम कन्वेंशन, ओके, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर इज फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो थर्ड इज करेक्ट। पहला और दूसरा यहां पे इनकरेक्टली मैच्ड है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ए, दैट इज वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हिमालयन याक। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड एनिमल यूजुअली फाउंड 2,000 to 5,000 मीटर्स अबव सी लेवल। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। सो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से ट्रू हैं गाइस रिगार्डिंग दिस हिमालयन याक। ओके, इट इज अ फ्लैगशिप स्पीशी और साथ ही साथ जहां पे भी ये रहता है इट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। मूविंग अहेड नाउ, क्वेश्चन नंबर फाइव, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू रिवर कावेरी। द रिवर कावेरी राइजेस एट ताला कावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका एंड ड्रेन्स इन टू द बे ऑफ बंगाल। द डिस्प्यूटेड मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट इज बीइंग प्रपोज्ड टू बी बिल्ट अक्रॉस रिवर कावेरी। हरांगी, शिमशा एंड द अर्कावती रिवर आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कावेरी। सो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें स्टेटमेंट्स की बात अगर मैं करूं, रिवर कावेरी इट इज स्मॉलर इन साइज देन गोदावरी, ठीक है, साथ ही साथ महानदी और कृष्णा से भी ये बिल्कुल छोटी है। और इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, जॉइनिंग फ्रॉम द लेफ्ट आर द हरांगी, देन हेमावती, ठीक है, शिमशा एंड अर्कावती इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है और साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शंस में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, ओके, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज प्लेटफॉर्म ITFS। इट इज अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रेड फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स थ्रू मल्टीपल फाइनेंसियर्स।
It will enable exporters and importers to avail various type of trade finance facilities at competitive terms for their international trade transactions. So ITFS से related आपके सामने दो statements हैं और दोनों true हैं, ठीक है? Recently International Financial Services Center Authority यानी कि IFSCA ने framework issue किए थे for setting up and operating ITFS. ओके, ITFS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है विच विल फैसिलिटेट द ट्रेड फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स. ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका सी. क्वेश्चन नंबर 7, विद रेस्पेक्ट टू नासास वाइपर मिशन दो स्टेटमेंट्स हैं. इट एम्स टू एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोल रीजन एंड प्लान्स टू क्रिएट लूनर रिसोर्स मैप. इट विल इवेल्युएट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज वेल एज अदर पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द मून सर्फेस. बोथ द स्टेटमेंट्स आर अगेन ट्रू. ठीक है, नासा ने अनाउंस किया था यार कि वो वाइपर मिशन 2023 में लॉन्च करेगा. वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर. ठीक है, सो नासा इज अंडरटेकिंग द मिशन टू अंडरस्टैंड कि क्या लाइफ पॉसिबल है, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है वहां पे. ठीक है, और साथ ही साथ वाइपर एक मोबाइल रोबोट है एंड इट इज द फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन ऑन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी. सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 8, केसरिया बुद्ध स्तूपा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट. सो गाइज, ये लोकेटेड है चंपारण, ठीक है, यानी कि बिहार में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है, इस वजह से ये न्यूज में था. ओके, इसे कहा जाता है कि इट इज द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम. It allows retail investors to buy and sell treasury bills, government securities, sovereign gold bonds, and state development loans. Under the scheme, non-resident retail investors are also eligible to invest in government securities. Both the statements are true here. RBI ने recently ही RBI Retail Direct Scheme announce की थी और ये एक one-stop solution है. ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए RBI Direct स्कीम जो है RBI Retail Direct स्कीम है. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ठीक है, यानी कि RDG अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका सी. इज दैट क्लियर? नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी एलिजिबल है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. बेसिकली दे आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर द स्कीम. सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. द फिनोमिनन हाइलाइट्स दैट ओवर द पास्ट 30 इयर्स द आर्कटिक हैज वार्म्ड एट रफली ट्वाइस द रेट एज द इंटायर ग्लोब. आयोडिक एसिड इज वन ऑफ द एरोसोल पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन और आर्कटिक फॉर्मिंग. सो गाइज, देखो, आयोडिक एसिड का प्रेजेंस अगर हम देखें ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयोडिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए. द प्रेजेंस हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे पता होना चाहिए. सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर इंपैक्टिंग द आर्कटिक एसिड मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अ टीम ऑफ साइंटिस्ट दे हैव आइडेंटिफाइड आयोडिक एसिड एज अ नोवल ड्राइवर ऑफ न्यू एरोसोल पार्टिकल फॉर्मेशन इन द आर्कटिक जो कि रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सो आगे चलते हैं. यहाँ पे देखो, पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया था लेकिन अब कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को लग रहा है कि आयोडिक एसिड जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी. क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग वेस्ट CO2 फ्रॉम लार्ज पॉइंट सोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू अ स्टोरेज साइट. There is only artificial process to capture and store carbon dioxide, which include industrial and technological methods. So, आपके सामने यहाँ पे दो statements हैं regarding carbon capture and sequestration, and both the statements are true. ठीक है, carbon capture and sequestration मतलब होता है process of capturing waste CO2. ठीक है, from large point sources, जैसे कि fossil fuel power plants हो गए. ठीक है, और उसे किसी पर्टिकुलर स्टोरेज साइट में आप ट्रांसपोर्ट कर दो. सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है.
ओके देर इज ओनली आर्टिफिशियल प्रोसेस, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 12 विद रेस्पेक्ट टू कर्मन लाइन, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं. इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमोस्फेयर एंड द आउटर स्पेस 100 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल. इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल बाउंड्री इन द आउटर स्पेस ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1967. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्मन लाइन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाउंड्री ऑफ स्पेस 100 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रू होगा. और इंटरनेशनल लॉ इसका बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ने एज ऑफ स्पेस डिफाइन नहीं किया है और ना ही नेशनल एयर स्पेस की लिमिट डिफाइन की है. ठीक है, सो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ लीगल बाउंड्री इन द आउटर स्पेस ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1967. दैट इज फॉल्स. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये तो अभी हमने सॉल्व किया ही है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम. इट्स अ वेब बेस्ड पोर्टल डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. इट एम्स टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ लीगल एडवाइस थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉयर्स विद स्पेशल फोकस ऑन दो स्पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स. सो गाइज LIMBS ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है. पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. ठीक है, इट इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग डिलीवरी ऑफ लीगल एडवाइस थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉयर्स. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल फोकस होगा उन केसेस पे जो 10 साल से ज्यादा पेंडिंग है. पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम. इट एम्स एट ट्रेनिंग स्कूल टीचर अक्रॉस द कंट्री ऑन आइडिएशन, आईपीआर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन एसोसिएशन विद UGC. सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, साथ ही साथ CBSE एंड AICTE. ओके, पहला स्टेटमेंट ट्रू है. हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ओके, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 16, विद रेस्पेक्ट टू रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. It is a systematic, scientifically planned re-establishment of viable population of tigers in this historical range over the longer term. The chances of success of rewilding of hand-reared carnivores in the wild is 80% more when compared with the herbivorous animals. So guys, second statement yahan pe galat hai. The chances is less than 1% and there are 50-50 chances of success as well as failure. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा. NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने री इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली दे री इंट्रोड्यूस्ड द कब इनटू द वाइल्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन इट अपीयर्स दैट द कब इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन द वाइल्ड इंडिपेंडेंटली, एंड इसे कहा जाता है रीविल्डिंग या फिर रीवाइल्डिंग. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए. क्वेश्चन नंबर 17, किसान सारथी, दो स्टेटमेंट्स हैं. इट वाज लॉन्च टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज. इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, सो नथिंग टू एक्सप्लेन. रीड कीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा और. With respect to non-fungible tokens, those statements say it's a digital asset that represents real world object and allows people to trade the ownership of digital entities. Each non-fungible token is uniquely identifiable and are not interchangeable in nature. So those statements are non-fungible tokens related NFTs. They are creating a new idea of patronage and they are empowering everyone. Agar aapke paas kuch bhi art hai, ठीक है, तो आप आसानी से NFT का हिस्सा बन के उस चीज को सेल कर सकते हैं. ओके, इसमें जो मीम मेकर्स हैं वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग देयर मीम्स, ओरिजिनल मीम्स. ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. करेक्ट आंसर इज सी. देखो, देयर आर फंजिबल टोकन्स एंड देन देयर आर नॉन फंजिबल टोकन्स. नॉन फंजिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक NFT को बेच के दूसरी NFT नहीं खरीद सकते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विद रेस्पेक्ट टू कैटरपिलर स्लग. इट्स अ स्पीशी नेटिव टू साउथ अमेरिका, हैज नाउ स्प्रेड टू सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया एंड कुड बिकम सून अ इनवेसिव स्पीशी. दैट इज फॉल्स. ठीक है, स्टडी हैज रिसेंटली फाउंड दैट द कैटरपिलर स्लग हैज नाउ स्प्रेड टू सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इट इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका, नॉट साउथ अमेरिका. सो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा.
Now, it feeds on the leaves and bark of mulberry plants and was also sighted on neem trees, papaya and calotropis plants. Second statement true है, ठीक है? Endangered species है ये, पहली बार 1980 में describe किया गया था. इसकी ecology के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 रिगार्डिंग अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन, दो स्टेटमेंट्स हैं. यूवीसी रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय द आउटर प्रोटीन कोटिंग ऑफ द सार्स कोविड वायरस एंड फार यूवीसी लाइट इन द रेंज ऑफ 207 टू 222 नैनोमीटर कैन हाईली डैमेज मैमेलियन स्किन एज इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द आउटर डेड सेल लेयर. सो गाइज, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी. So UV is divided into three bands, UVC, UVB and UVA. Okay, and जो far UVC radiation है, it has a very limited range and it does not harm mammalian skin. ठीक है, so यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने आंसर यहाँ पे B बोल दिया. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का A. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, सेकेंड इज फॉल्स. ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इसका A. UVC radiation is highly effective in inactivating SARS-CoV replication. So, पहला statement true है, second is false. So, guys, थोड़ी बहुत यहाँ पे typing error थी, और बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई भी doubts है, do let me know. Thanks a lot. Bye, guys.